हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। अच्छा दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नोलेक्स एक्सचेंज के बारे में। तो ये एक फॉसेट है जहाँ पर हमें टोकन मिलते रहते हैं फॉसेट में क्लेम करने में, और इसको जो है साइन अप करना ही सबसे मुश्किल है। बास टाइम लोगों को पता नहीं चलता कि इसको साइन अप कैसे करना है। ये ना तो जीमेल पे साइन अप होती है और ना ही किसी गूगल अकाउंट, ना फेसबुक अकाउंट, ना ही ट्विटर अकाउंट पे ये रजिस्टर्ड होती है, वेरीफाई होती है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको पता चल सके इसको कैसे साइन अप करना है, और साइन अप करने के बाद किस तरह से हम इससे क्लेम लेंगे और उनको एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, तो मैं वीडियो अभी स्टार्ट करता हूँ इसको साइन अप करने के लिए। तो मैं पहले से साइन अप हूँ, मैं इसको लॉग इन हूँ, मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको लॉग आउट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास एक ऐप है, इसको भी लॉग आउट कर देते हैं। अब आपने क्या करना है, आपको ये दोनों लिंक जो हैं वो वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। आपने क्या करना है, पहला लिंक जो है वो आपने यहाँ से निकालना है। जैसे वीडियो पे क्लिक करेंगे वो लिंक आप यहाँ पर चले जाएंगे। अगर नहीं लिंक के ज़रिए हुआ तो गूगल क्रोम में जाना है और सेटिंग में जाके यहाँ पर आपने लिखना है टोरेंट लिंक। ठीक है, टोरेंट लिंक को क्लिक करना है, और टोरेंट लिंक को क्लिक करने के बाद यहाँ से कौन सा वर्जन इसका निकालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कौन सा वर्जन है, बहरहाल यहाँ पर ये वर्जन तो नहीं आ रहा। हाँ जी, ठीक हो गया, ये वर्जन है। आपने क्या करना है, यहाँ पर टोरेंट लिंक लिखना है। तो पहली बात है, यहाँ पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, जो वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा उससे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे आप। तो अगर नहीं भी आते तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको क्लिक कर देना है। जब इस जगह पे आ जाएंगे, यहाँ पर टोरेंट लिंक को क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है इसको। ठीक है, मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना। आपके पास यहाँ पर आ जाएगा जिस जगह पर ये ऊपर ऐप आ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये आपके पास शो हो जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पर शो हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने इस पर अकाउंट बना लेना है। अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं अगर ना पता चले तो कमेंट्स में मुझे मैसेज करें, मैं आपको बता दूंगा कि इसका अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। वैसे इजी अकाउंट है इसका क्रिएट करने के लिए। तो मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ, मैंने पहले से इसको साइन अप किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये इस तरह का आपके पास व्यू आ जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, एक्सचेंज वाले लिंक पे क्लिक करना है। ये भी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर आपने इसको साइन अप पे क्लिक करना है। जब आप इसको साइन अप पे क्लिक करेंगे और ये आपका टोरेंट लिंक जो है ये रेडी होगा, तो आप जैसे ही साइन अप करेंगे तो ये देखें यहाँ पर ये बोलेगा एक्सेप्ट। ठीक है, आपने एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है और आप लॉगिन हो जाएंगे। मैं पहले से साइन अप हूँ, मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, ये देखें। ठीक है, एक्सेप्ट किया और लॉगिन कर लिया मैंने, तो सेम एक ही चीज़ है। ठीक है, अब ये देखें मेरा वॉलेट जो है लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपने डैशबोर्ड पे आना है। डैशबोर्ड पे आएंगे तो यहाँ पर ये बैलेंस बताता होगा, यानी ये जितने भी कॉइन हैं ये कन्वर्ट होंगे। इसमें आप जितने भी क्लेम लोगे तो ये बैलेंस शो आपको करेगा इधर, ये वाला टोरेंट का। ठीक है, तो ये देखें ये बैलेंस ये शो कर रहा है। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, फॉसेट पे क्लिक कर देना। फॉसेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ तरह तरह के कॉइन मिल जाते हैं जो कि टोकन में होते हैं, तो यहाँ क्लेम पे क्लिक करें।
ठीक है जी, ये एक क्लेम हमें मिल चुका है। अब इसको क्लिक कर लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ आपने इनको टोरेंट लिंक में कैसे लेके जाना है अपने वॉलेट में। ठीक है, फिलहाल मैं इतने क्लेम कर लेता हूँ। अब चलते हैं डैशबोर्ड पे। यहाँ पर एन वॉलेट में जब आप एन वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास वो बैलेंस आ जाएगा जो वहाँ से हम क्लेम कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं आपको विड्रॉल करके दिखाता हूँ। विड्रॉल की कोई फीस नहीं है, ठीक है, बिल्कुल फ्री है। ये वाला करते हैं, ये इस टाइम मेरे पास 4 कॉइन है और यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर कितने पड़े हुए हैं। यहाँ मेरे पास ये देखें, ये 50 पड़े हुए हैं और जो मेरे वॉलेट में, और यहाँ से मैं इसको विड्रॉल कर देता हूँ। बस सिंपल आपने क्लिक करना और मैक्सिमम अमाउंट पे क्लिक करना और विड्रॉ पे क्लिक कर देना। ठीक है, ये देखें ये विड्रॉ हो चुका है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ ही टाइम बाद हमें यहाँ पर मिल जाएगा ये कॉइन। ये देखें 54 हो चुके। इसी तरह आपने ये इन सबको विड्रॉल कर लेना है। ठीक है, इसको भी विड्रॉल कर लेते हैं। मैक्सिमम विड्रॉल जो है दोबारा 1 मिनट बाद हम ले सकते हैं, तो अभी 1 मिनट बाद दोबारा विड्रॉल लेंगे इसका। और अभी यहीं पे बात ख़त्म नहीं हुई, अभी आप ये चीज़ बाकी है कि इसको हम एक्सचेंज कहाँ पर करेंगे। एक मिनट हो गया होगा, अब हम ये वाला कॉइन विड्रॉ करते हैं, विन टोकन जो है। ठीक है जी, विड्रॉ पे क्लिक कर दिया और ये भी विड्रॉ हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, विन टोकन भी हमें मिल गया होगा, कुछ ही टाइम बाद यहाँ पर आ जाएगा विन टोकन भी। ठीक है, ये देखें यहाँ पर आ रहा है, 5.2 थे। ये देखें विन टोकन जो है वो भी हमें मिल चुके हैं, 5.2। तो अभी यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया टोरेंट लिंक कैसे बनाना है वॉलेट, और एक्सचेंज ये फॉसेट एक्सचेंज का भी मैंने बता दिया फॉसेट कैसे लेने हैं। अब टोरेंट से हमें ये कॉइन कहाँ लेके जाने और कहाँ पे एक्सचेंज करने हैं, अब वो बात मैंने आपको बतानी है। वीडियो इसलिए कंप्लीट देखिएगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बताता चलूँ कि यहाँ पर ये आपको बताता जाएगा कि कौन सा कॉइन जो है वो टोरेंट पे कितने प्राइस में हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर ये बता रहे हैं, मगर ये एक्सचेंज नहीं करेगा, यहाँ पर आपको बस ये चीज़ें बताएगा। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। अब हम ये देखें यहाँ पर ये बता रहे हैं, तो अब हम चलते हैं, इसको आप क्लोज़ कर दें। इसको मैंने क्लोज़ कर दिया, इससे हम फासेट लेते हैं और फासेट को टोरेंट में लेके आते हैं और यहाँ से हमने एक्सचेंज करने हैं। आपको सबसे ऊपर ये जो एक्स लिखा हुआ है, एक्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर एक एक्सचेंज आएगी पलोनी। ठीक है, इसको अब आपने क्या करना है, साइन इन करना है टोरेंट लिंक पे ही, जिस लिंक पे फॉसेट एक्सचेंज को किया था उसी लिंक पे इसको करना है। ये देखें खुद ब खुद ये साइन इन हो चुकी है। ठीक है, हमारे इसी वॉलेट पे। तो अब हम बैलेंस में चलते हैं। अब ये देखें यहाँ पर मेरे पास जो विन टोकन है वो भी पड़े हुए हैं, जो दूसरे टोकन है वो भी पड़े हुए हैं। वहाँ से हमने विड्रॉल जो लिया था वॉलेट में
तो अभी ये एक्सचेंज जो है वॉलेट के साथ ही कनेक्ट है, तो अभी हमारे पास टोकन जो है वो अवेलेबल हैं। तो यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई से भी टोकन को एक्सचेंज और ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये विन टोकन पड़ा हुआ है, तो विन टोकन को मैं सेंड करना चाहता हूँ, तो सेंड पे क्लिक करूँगा और ये जिस वॉलेट में भेजने हैं उस वॉलेट में इसको सेंड कर दूँगा। और उसके बाद अगर ट्रेड करनी है इनकी, तो ये देखें ट्रेड ये USDT पे भी बता रहा है, USDT पे भी ट्रेड कर सकते हैं और टोरेंट पे भी क्लिक कर सकते हैं, यानी कि एक्सचेंज भी आप कर सकते हैं।